अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खुशामदीद आप लोग अनबॉक्सिंग रिएक्शंस में। मैं हूं आपका होस्ट शामिर, और आज आप लोग मेरी सिर्फ आवाज सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप मुझे नहीं देख सकते यार, ऑब्वियसली सी बात है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और स्पेशल सेगमेंट लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि आपने 2022 में कौन सी सीरीज देखनी है और कौन सी सीरीज आपको देखनी चाहिए। अगर आप लोग भी बोरिंग कमर्शियल से, बोरिंग टीवी शो से, बोरिंग मूवी से अगर आप परेशान हो गए, आपने कुछ नया फ्लेवर लाना है, कुछ नई चीजें देखनी है, तो आपने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है भाई, आज बने रहना है, ठीक है ना? पूरी एंड तक देखनी है वीडियो। सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ठीक है, सब्सक्राइब कर देना बराए मेहरबानी। चलो पहली वीडियो की तरफ चलते हैं भाई। हाँ तो भाई, पहली वीडियो जो है आज हम करने वाले हैं वो है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। क्या बात, मतलब ये एक मार्वल की सीरीज है और मार्वल वालों ने एक और सीरीज फेंक दिया बाबा कंटिन्यूटी में बनाने के लिए। क्या डॉट कनेक्ट कर रहे होते हैं ये साले, है ना? ऐसी बात है। तो थोड़ा सा बताता हूँ मैं इस सीरीज के बारे में। इस सीरीज में जो मेन लीड है उनका नाम है जेनिफर वॉल्टर, ये कैरेक्टर का नाम है ठीक है। इनका असली नाम है टाटियाना मसलाने, ये टाटियाना मसलाने हैं जिन्होंने शी हल्क को प्ले किया है। और क्या धांसू सीरीज है बाबा, क्या बॉडी है, क्या सीजीआई बनाया यार लोगों ने, मतलब मारो वाले तो हटो बच्चों काम कर रहे ले बाबा कर रहे ले। तो आगे चलते हैं शी हल्क के बारे में, मैं आपको क्या बताऊं। शी हल्क थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसमें आपको मार्क रफलो भी देखने को मिलेंगे भाई। मार्क रफलो अब तो देखना पड़ेगा ना जाके सीरीज यार, जो लोग फैन है हल्के वो लोग तो देखेंगे जाके। पहला बात इसका ये है कि इसमें शुरू में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो आपको बताती हैं कि वो शी हल्क कैसे बने और शी हल्क कैसे बनती हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन सरप्राइज को सरप्राइज ही रखूंगा, स्पॉयलर्स नहीं होंगे इसमें भाई, स्पॉयलर्स नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे ठीक है। तो मार्क रफलो के साथ वो जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के बाद वो कैसे शी हल्क बनती है ये आपको देखना है। इतनी सी बात थी, अब आगे जाके देख लेना कुछ सीरीज। 6 एपिसोड्स अभी तक इसकी आ चुकी हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है उनको मजा आएगा, क्योंकि उनको हर हफ्ते वेट नहीं करना एक एक एपिसोड देखने के लिए जैसे मैंने किया था। हम लोग को 6 एपिसोड्स मिल गई है, मतलब कि कितने लकी हो तुम लोग, मैं तुम लोग को अब बता रहा हूँ ठीक है। इसमें और भी आपको मजेदार कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से जिंजर गोंजागा है, मालिया आर्या है, जमीला जमील है, स्टीव बॉटलर है, जॉस सगारा है, रेने एलिस है, बेनेडिक्ट वॉन्ग भी है यार इसमें, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का बेनेडिक्ट वॉन्ग भी इसमें आ गया है, मतलब फुल फाड़ू कास्ट ले ली है लोगों ने। अच्छे से अच्छा ये अपना सीरीज बनाते हैं, अच्छे से अच्छा अपना कनेक्टिविटी लाते हैं। तो आपको इसमें फन एलिमेंट भी मिलेगा, इसमें आपको एक्शन भी मिलेगा, एक्शन तो खूब मिलेगा। और वन मोर थिंग, इसमें टिम रॉथ अबॉमिनेशन भी है, इसमें आपको टिम रॉथ मिलेगा और उसकी बहुत मजेदार, मतलब मैंने उसकी एक्टिंग देखी मैं तो पगलौट हो गया, पगलौट हो गया, मतलब इतना मजे का उसने एक्ट किया है ना, फुल हटो बच्चों कर दिया है और फुल हटके लग रहा है इसमें ये करेक्टर। तो जरूर जाके सीरीज को देखो, अभी देखो, इंटरनेट पे सर्च करो शी हल्क को और जाके सीरीज देखना शुरू करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि कैसी लगी ये सीरीज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। वो शी हल्क है, एक हल्क है, एक शामिर हल्क कहीं आ जाने, शामिर हल्क आ गया ना बस छोड़ो यार ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे ड्रामे की तरफ, जब तक आप सीरीज को देखो मैं आपको दूसरे ड्रामे के बारे में बता दूं। ओके मेरे भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है द लास्ट शिप। मतलब के फो खतरनाक ड्रामा है ये, 2014 में रिलीज हुआ था, 2018 में खत्म हो गया था। 5 सीजन इसके आए हैं और हर एपिसोड देखने वाली है, मतलब फुल एक्शन है, एडवेंचर है, ड्रामा है, इसमें साइफाई है, फैंटेसी है ठीक है। लेकिन यार इसमें इसकी जो स्टोरी लाइन है वो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, जैसे कि अभी आप लोगों ने पैंडेमिक हमारा फेस किया कोरोना का, इस ड्रामे में भी एक पैंडेमिक की स्टोरी बताई गई है, लेकिन इसमें चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि ये एक फ्लीट है, नेवल फ्लीट पे ड्रामा बना है, इनके पास एक वॉरशिप होती है, और जब ये लोग एक जगह से वापस आ रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि एक वायरस फैल गया है दुनिया में, जिसने 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और उसका क्योर इन लोगों को ढूंढना है, क्योंकि इनकी ऑलमोस्ट पूरी कंट्री जो है वो खत्म हो गई है,
और दूसरी कंट्रीज भी खत्म हो गई हैं, तो दूसरे लोग भी, जो लोग बचे होते हैं वो भी उस प्योर की तलाश में होते हैं। तो इसमें बहुत मजेदार फाइटिंग सीन्स हैं, खास तौर पे यार आप लोग जो लोग नेवल फ्लीट के एक्शन सीन्स पसंद करते हैं, शिप के, वॉरशिप्स के, गोलियां चल रही हैं फुल, आपके रॉकेट लॉन्चर्स चल रहे हैं फुल, आपके मिसाइल्स चल रहे होंगे, टॉर्पीडोज चल रहे होंगे, मतलब आपको फुल मजा आने वाला है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर जो इसका है एरिक डैन, टॉम चैंडलर उसका नाम होता है, शिप का कैप्टन है, मतलब फुल यार क्या एक्टिंग है उस बंदे की, लग रहा है उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो लगता है कि यार शिप का कैप्टन है, चल कर आता है ना तो मतलब फुल सब लोग भाई खड़े हो जाते हैं उसके इस्तकबाल में, और उसने अपनी पर्सनालिटी ऐसी प्रेजेंट की है। बहुत मजे के इसमें एक्शन सीन्स हैं, इसमें कैरेक्टर्स ऐसे लिए गए हैं कि जिनको एक्चुअल में फाइटिंग आती है, तो इसमें बहुत अच्छा आपको एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। इसमें जोको सिम्स हैं, एडम बैल्डविन भी हैं, चार्ल्स फार्नल हैं, ट्रेविस वैन विंकल हैं, क्रिस्टीना एलमोर भी हैं, केविन माइकल भी हैं, तो बहुत मजे का यार ये ड्रामा है, प्लीज इसको जरूर जाके देखो, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पे जाके देखो, और अच्छा लगे तो आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आई एम श्योर ये ड्रामा आप लोगों को बहुत मजे का लगेगा। और इसके बहुत क्लासी सीन्स हैं यार, मतलब मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन हटो बच्चों, मतलब हटो बच्चो हो गया है ये ड्रामा, इसको भी जाके सर्च करो, द लास्ट शिप इसका नाम है, ठीक है उसको जाके देखो। हाँ तो मेरे भाई चलते हैं हम अपनी आखिरी सीरीज की तरफ आज की, जो कि है मैंडलोरियंस, और ये एक स्टार वॉर्स की सीरीज है। जो लोग स्टार वॉर्स को जानते हैं उनको पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ। ये एक अमेरिकन स्पेस वेस्टर्न टेलीविजन सीरीज है जो जॉन फेवरो ने बनाई थी, और ये डिज्नी प्लस पे अब स्ट्रीम हो रही है, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव सीरीज है, बहुत मतलब कि आप देखोगे और आप बोलोगे मतलब वाकई में पैसा वसूल, पैसा शायद आपको एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा यार, मतलब इतनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव सीरीज है। मतलब जो स्टार वॉर्स का क्रिएटर है जॉर्ज लूकस, ठीक है, उसने ये बनाना शुरू की थी 2009 में, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव थी, फिर लूकस ने इसको डिज्नी को सोल्ड किया अपने पूरे प्रोडक्शन हाउस को 2012 में, और फिर उसको हायर किया एज अ राइटर शो रनर, और उसने 2019 में इसका फर्स्ट सीजन लॉन्च किया। तो मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा कितना सीरियस था सीरीज के लिए, और इसमें कितना खतरनाक काम हुआ है, और मतलब बहुत खतरनाक काम है इसका, आप देखो आपको पता चलेगा। मतलब आप इसका भी ये है कि भाई इसमें एक जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है जिसका प्ले किया है पेड्रो पास्कल ने, जो मैंडलोरियन है, और वो एक बाउंटी हंटर होता है जिसको मिशंस मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और उसको एक मिशन मिलता है जिसमें एक बहुत ही हमारा स्टार वॉर्स का फेवरेट कैरेक्टर है योडा, उसी की जनरेशन का, उसी के जीन्स का एक और कैरेक्टर जिसमें इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम है ग्रोगो, वो बाद में आप लोगों को पता चलेगा, तो ये स्पॉइलर है ग्रोगो, ओके। तो वो उसकी बाउंटी उसको मिलती है जिसको उसको कहीं पे पहुंचाना होता है, लेकिन जब उसको वहां पे पहुंचाता है और पता चलता है कि एक बच्चा है, तो उसके दिल में कोई और बात आती है, और वो उसको वहां से लेके रफान हो जाता है, और यहाँ से सीरीज स्टार्ट होती है, और यहाँ से उसके एडवेंचर्स, उसके मिशंस, और डिफरेंट काइंड ऑफ मिशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर्स यहाँ से उसके शुरू होते हैं। मतलब कि बहुत यार मजे की इसमें आप लोगों को कास्ट तो मतलब हटो बच्चों है ना, मतलब आप तो समझ जाओ स्टार वार से तो हटो बच्चों कास्ट हो गई है, ठीक है। कार्ल वेदर्स है इसमें, जॉन कार्लो एब्सुर्डो है इसमें, बैरी लोवेन है इसमें, जीना कैरानो है इसमें, क्रिस बैलेट है इसमें, हिलानी अशियो है, मिसी रॉसस है, ओमिड अब्दाई है, टेमोरा मॉरिसन है, अबे इतने खतरनाक नाम है यार, मतलब मेरा टंग तो इस तरह को हो जा रहा है, लेकिन मुझे ये भी ले जा रहे हैं, मतलब इतने खतरनाक कौन रखता है यार, अम्मा अब्बा भी इनके रख के जो है ना भूल जाते होंगे, हमने रखा क्या था इनका नाम, इतने मुश्किल नाम है। योडा, हमारा जो योडा का जो कैरेक्टर है, जो जिस तरह बोलता था, When you look at the dark side, careful you must be, for the dark side looks back. तो ये था हमारा एक योडा का कैरेक्टर, और ऑब्वियसली यार इसमें आपको बहुत मजे मजे के सीन्स मिलेंगे, इसमें और भी मजे की इसमें आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मिलेंगे, कनेक्टिविटी भी होगी, और उसके बाद एक और सीरीज आई थी जो इन्होंने कनेक्ट की थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आज मैंने आप लोगों को बताया कि एक नई सीरीज जो आई है शी हल्क, उसके बाद मैंने आपको बताया जो एक सीरीज कंप्लीट हो चुकी है द लास्ट शिप, और उसके बाद मैंने आपको बताया जो एक सीरीज आई है थोड़ा पहले लेकिन अभी तक चल रही है, तीन तरह की मैंने आपको सीरीज बताई है, तीनों देखो जाके, और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर आपको मेरा ये सेगमेंट पसंद आया, आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आपको ऐसे मजेदार ड्रामे बताता रहूं, टीवी शोज या मूवीज आपको बताता रहूं जो अभी तक आप नहीं देखी है, जो आपका माइंड ब्लोन कर देंगी, आपका दिमाग खोल देंगी कि आप लोग उन टिपिकल ड्रामों से बाहर आ जाओगे और आप लोग बोलोगे यार अब तो यही देखना है,
मतलब ये ऐसे स्टैंडर्ड के ड्रामे बनाए हुए हैं इन लोगों ने कि आप मूवीज को देखोगे और मूवीज को वालों को बोलोगे यार अपना स्टैंडर्ड अब हाई करो इस ड्रामे से, ऐसे खतरनाक खतरनाक स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, और जानने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए कॉन्टेंट बनाया है यार। सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ भी नहीं होता, क्लिक करना होता है, कर्सर नीचे क्लिक करो वापस आ जाओ, ठीक है, इतना सा काम है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों को भी ख्याल रखिए, मेरे चैनल का तो खास तौर पे ख्याल जरूर रखना है, शेयर करना है मेरी वीडियो को, लाइक करना है मेरी वीडियो को, कमेंट तो जरूर करना है, सजेशन भी देने हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, जब तक के लिए शामिर अनबॉक्सिंग रिएक्शन से चलता है, आप लोगों से इजाजत लेता है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।